कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल द एजुकेशनल हब। आज की ये वीडियो केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, जो कि हम पिछली वीडियोस में स्टार्ट कर चुके हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, उसकी बेसिक डेफिनेशंस को हम लर्न कर रहे हैं उसी के हवाले से है। आज की इस वीडियो में हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला को अच्छे से समझेंगे, इसका डिफरेंस मालूम करेंगे क्या डिफरेंस है और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है किसी भी एलिमेंट का, एम्पेरिकल फार्मूला क्या है। तो आज की इस वीडियो में आपकी तमाम कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द फार्मूला विच शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास किसी भी एलिमेंट, किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स का टोटल एक्चुअल नंबर जो है वो आपको बताता है। जैसे आपके पास एक मॉलिक्यूल है H2O, वाटर का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर आपके पास दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो आपके पास इस मॉलिक्यूल में मौजूद नंबर ऑफ एटम्स को कौन बताता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ये आपको क्या बताता है? ये ऐसा फार्मूला जो आपको टोटल एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताए किसी भी मॉलिक्यूल के, वो कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड मे बी सेम और मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। सबसे पहली बात, आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला से ही ड्राइव हुआ है। हम वीडियो में आगे एम्पेरिकल फार्मूला को अच्छे से समझेंगे तो आपको ये बात और अच्छे से समझ आ जाएगी। इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे फॉर सपोज आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, उसकी एक बेसिक रेसिपी होती है और एक और आप रेसिपी को खुद से डबल भी कर सकते हैं, खुद से बढ़ा भी सकते हैं। फॉर सपोज चाय बनाने की एक रेसिपी है आपकी कि आप एक चमचा चीनी डालते हैं, एक चमचा पत्ती डालते हैं, ये आपकी बेसिक रेसिपी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ज़्यादा बनानी है, 6 लोगों के लिए बनानी है, 6 कप्स बनानी है, तो आप उसको उतने ज़्यादा डबल कर देंगे, 6 चमचे चीनी और 6 चमचे पत्ती कर देंगे। तो इस तरह से आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला बेसिक फार्मूला है, किसी भी चीज़ का बेसिक सिंपलेस्ट रेशो होता है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास उसका एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स जो है, एग्जैक्ट आपके पास क्वांटिटी जो है वो किसी भी चीज़ की वो बताई जाती है। अगर मैं आपके पास उस 6 कप की चाय की बात करूं और मैं बताऊं मैंने इसमें 6 चमचे चीनी, 6 चमचे पत्ती डाली है, तो आपके पास ये क्या होगा? उसका एग्जैक्ट आपने नंबर बता दिया कि आपने इतना यूज़ किया है। तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ एग्जाम्पल की हद तक है। आप खुद से किसी भी एलिमेंट के फार्मूले को ना डबल कर सकते हैं ना कम कर सकते हैं, उसका जो स्पेसिफिक फार्मूला होता है वही उसका मॉलिक्यूलर, उसी से आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, हम इसमें देख सकते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो आपके पास ये फार्मूला जो है क्या बता रहा है? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है आपके पास। नेक्स्ट इज बेंजीन। बेंजीन के अंदर आपके पास 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो ये C6H6, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट इज ग्लूकोज, C6H12O6, इसके अंदर आपके पास 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन के एटम्स आपके पास मौजूद हैं। तो आपके पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या कहलाएगा? C6H12O6 आपके पास ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। तो आई होप आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला का कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी मॉलिक्यूल के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं कि उसके अंदर कितने एटम्स उस मॉलिक्यूल के अंदर यूज हुए हैं उस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। इसके लिए हमने वाटर की एग्जाम्पल ली और बाकी तमाम एग्जाम्पल्स भी ली। जैसे वाटर में आपके पास 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है। इसी के साथ साथ आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला से ही ड्राइव होता है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला या तो एम्पेरिकल फार्मूला का डबल होगा, मल्टीपल होगा, या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। आगे जब हम वीडियो में एम्पेरिकल फार्मूला को समझेंगे तो आपको ये बात भी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला है।
Empirical formula of a compound is the simplest whole number ratio of atoms of each element in the compound. आपके पास empirical formula, किसी भी compound का empirical formula simplest whole number ratio होगा उसके atoms का. उसके अंदर किसी भी compound के अंदर आपके पास जितने atoms मौजूद हैं उसका आप simplest whole number ratio निकाल लें तो वो आपका क्या कहलाएगा? Empirical formula. आगे इसकी हम examples solve करेंगे तो आपको ये concept और clear हो जाएगा. सबसे पहली बात, इट डज नॉट शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल. ये आपको एक्चुअल एटम्स नहीं बताएगा कि आपके पास मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर एक्चुअल एटम कितने यूज हुए हैं, लेकिन ये आपको सिर्फ एक बेसिक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो है वो निकाल के बता देगा. इट टेल अस ऑफ टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इट. एग्जाम्पल देख लेते हैं. सबसे पहले आपके पास हाइड्रोजन परऑक्साइड की एग्जाम्पल है. इसको हम देखते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड की एग्जाम्पल को. यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन परऑक्साइड में दो, हमने क्या पढ़ा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, इसके पास दो हाइड्रोजन है और दो ऑक्सीजन है, लेकिन इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है 1H+1O. अब किस तरह से ये है, आपको अगर किसी भी एलिमेंट का एम्पिरिकल फॉर्मूला मालूम करना होगा तो आप उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो है वो निकालेंगे. आपके पास हाइड्रोजन परऑक्साइड है, यहाँ पे इसमें हमने बोला हाइड्रोजन दो हैं इसके पास और ऑक्सीजन ये भी कितने हैं, दो हैं. इसका हम रेशियो निकालेंगे 2 1 2 2 1 2, यानी एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो क्या बना आपके पास H O. सो दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड. जरा नेक्स्ट एग्जांपल को अगर हम देखें बेंजीन की, इसमें हमारे पास बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6. अगर हम इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालें सिक्स कार्बन एंड सिक्स हाइड्रोजन, सिक्स वन जा सिक्स, यानी एक कार्बन और एक हाइड्रोजन. तो आपके पास बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, CH हो गया. इसी तरह अगर हम ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला देखें, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो वो क्या था, C6H12O6, यानी यहाँ पे आपके पास एक्चुअल एटम्स बताए हुए थे इसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कि 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है. लेकिन अगर हम इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालें, यानी इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालें, तो आपके पास क्या निकलेगा, सिक्स 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन, 6 1 जा 6 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, यानी एक कार्बन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन. सो CH2O ये आपके पास क्या है, ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला है. एम्पिरिकल फॉर्मूला आपके पास सिंपलेस्ट रेशियो होता है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का सिंपलेस्ट रेशियो जो है वो आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाता है, जिस तरह हमने यहाँ पर ये सिंपलेस्ट रेशियो निकाले हैं. कुछ एलिमेंट्स आपके पास ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है. फॉर सपोज अगर हम वाटर को देखते हैं H2O, इसमें आपके पास हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 यूज हो रहा है, इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई और नहीं हो सकता. तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है, क्योंकि ये फर्दर और सॉल्व नहीं हो सकता, इसका और सिंपलेस्ट रेशियो नहीं निकाला जा सकता. इसी तरह आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, एक कार्बन दो ऑक्सीजन, इसको भी हम और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला का, इसका डिफरेंस अच्छे से पता चल गया हो. हम मॉलिक्यूलर फार्मूला में किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट क्वांटिटी को बताते हैं, कितने एटम्स उसके अंदर यूज हुए. जैसे हमने यहाँ पे ग्लूकोज में बताया कि 6 कार्बन के एटम, 12 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के एटम हमने यूज़ किए,
लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला में हम उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको टॉपिक क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियो से अपडेटेड रहिए। थैंक यू।